हेल्स पैराडाइज एपिसोड 7। एपिसोड के शुरुआत में हम दो खूबसूरत लड़कियों को किस करते हुए देखते हैं, जिन्हें देखकर चौबे और टोमा सोच रहे थे कि कोई इस भयानक जंगल में इतना बेफिक्र होकर कैसे रह सकता है। तभी उनमें से एक लड़की उनके साथ मजे करने के लिए उन्हें इनवाइट करती है, लेकिन वहीं दूसरी लड़की इन सब बातों से गुस्सा थी और कह रही थी कि वो किसी भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ेगी, जिससे चौबे को पता चलता है कि वो इंसान नहीं है। तभी वो लड़की एक लड़के में कन्वर्ट हो जाती है। उसी वक्त गाबीमारू अपने टीम के साथ हर्मिट्स के विलेज को देखकर सोच रहा था कि जो इंसान यहाँ रहते हैं वो उनके दोस्त होंगे या दुश्मन। तभी एक छोटी लड़की इन सब पर पीछे से नजर रख रही थी, जिसे गाबीमारू नोटिस कर लेता है और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन उसी समय उस पर एक मॉन्स्टर हमला कर देता है, जिसे गाबीमारू अपनी टीम के लिए छोड़ देता है और उसे एक किक मार के फिर से उस लड़की का पीछा करने लगता है, जिसके साथ सागरी भी उसके पीछे जाती है। जिसके बाद जब गाबीमारू उस बच्ची के पास पहुंचकर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है तो वो बच्ची उसे उल्टा जमीन पर पटक देती है, जिसे देखकर गाबीमारू शॉक हो जाता है कि कोई बच्ची ऐसा कैसे कर सकती है। तभी सागरी भी उनके पास पहुंच जाती है, जो उस बच्ची को ये कहते हुए कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहती और केवल उससे पूछताछ करना चाहती है, जिसे सुनकर वो बच्ची रुक जाती है। और जब सागरी उसके पास जाने की कोशिश करती है तो वो उसे एक जोरदार पंच मारने वाली थी, जिसे गाबीमारू जाकर रोक लेता है, लेकिन उस पंच से उसका भी हालत खराब हो जाता है, जिससे गाबीमारू गुस्सा होकर अपनी पावर की मदद से पेड़ की जड़ों को उखाड़ता है और उस बच्ची को उनसे बांध देता है। जिसके बाद गाबीमारू गुस्से से कह रहा था कि वो वहाँ एलिक्सर ऑफ लाइफ को लेने आया है और वो उसके बिना नहीं जाने वाला, जिससे डर कर वो बच्ची रोने लगती है। तो सागरी उसे चुप कराने के लिए गाबीमारू को उसे नीचे उतारने को कहती है। वहीं दूसरी तरफ यूजीरिया उस मॉन्स्टर को हराने के लिए एक पोषण पीती है, जिससे उसके बॉडी से कुछ चिपचिपा पदार्थ निकलने लगता है और वो उस मॉन्स्टर को हरा देती है। जिसके बाद उनकी टीम ये डिसाइड करती है कि वो उस बच्ची की मदद से एलिक्सर ऑफ लाइफ के बारे में जानेंगे। तभी वो मॉन्स्टर उठ जाता है और उनसे कहता है कि अगर वो उस बच्ची को उसके हवाले कर देंगे तो वो उन्हें एलिक्सर ऑफ लाइफ के बारे में सब कुछ बता देगा, लेकिन उनकी टीम उस पर विश्वास नहीं करती तो वो उन्हें खाने पीने और नहाने का लालच देता है, जिसके लिए वो सब मान जाते हैं। और फिर वो सब उनके घर जाते हैं, जहां वो मॉन्स्टर उनके लिए नहाने और खाने का प्रबंध करता है। जिसके बाद जब वो सब खाने के लिए बैठते हैं तो वो मॉन्स्टर बता रहा था कि उसे पता नहीं कि वो इस आइलैंड को क्या बुलाते हैं, लेकिन इस आइलैंड का नाम कोटाकू है, जहां पर गॉड्स रहते हैं। जिस पर सागरी कहती है कि उनकी सोच से यह आइलैंड काफी अलग है। तभी गाबीमारू उससे पूछता है कि क्या यहाँ पर एलिक्सर ऑफ लाइफ एग्जिस्ट करता है, जिस पर वो मॉन्स्टर कहता है कि एलिक्सर ऑफ लाइफ एक असली चीज है, जिसे वहाँ पर टैन कहा जाता है, जो उन्हें अमर बनाने के साथ साथ उनके पावर को भी अनलॉक करता है। जिसे सुनकर वो उससे पूछता है कि उन्हें एलिक्सर ऑफ लाइफ कहाँ मिलेगा, तो वो मॉन्स्टर बताता है कि उनका आइलैंड तीन रीजन में बटा हुआ है, जिसमें जहां से वो अंदर आए थे उसे ईसो कहा जाता है, साथ ही साथ जहां वो अभी हैं उसे होजो कहा जाता है, और सेंटर रीजन होरोई में एलिक्सर ऑफ लाइफ एग्जिस्ट करता है। जिसे सुनकर गाबीमारू खुश होता है कि फाइनली वो अपनी बीवी से मिल पाएगा। तभी गाबीमारू उस मॉन्स्टर से एलिक्सर ऑफ लाइफ का प्रूफ मांगता है, जिस पर वो बताता है कि वो कभी ना कभी तो उनसे मिलेगा, और जब वो उनसे मिलेगा वो दोबारा उस पर डाउट नहीं करेगा, क्योंकि जब वो टेंशन से मिलेगा तो वो कभी दोबारा उस पर शक नहीं कर पाएगा, जो ना कभी मरते हैं और ना ही कभी बूढ़े होते हैं, और वो हमेशा सुंदर ही रहते हैं। जिसके साथ ये हो सकता है कि वो आते समय भले ही दूसरे मॉन्स्टर से लड़े हों, लेकिन टेंशन एक अलग लेवल पर है, जिनके सामने कोई नहीं टिकता, और टेंशन उन सब लोगों को मार देता है जो इस आइलैंड पर आते हैं। जिसे सुनते ही गाबीमारू अपना तलवार उस पर तान देता है, जिस पर वो कहता है कि वो केवल सच बोल रहा है। तो गाबीमारू उससे टेंशन के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताते हैं कि टेंशन उस आइलैंड के सबसे इम्पोर्टेंट बींग हैं, जो दूसरों के अपराधों के लिए उन्हें पनिश करते हैं, स्पेशली उन्हें जो इस आइलैंड पर आते हैं, और जिन्हें पनिश किया जाता है वो केवल मरते नहीं बल्कि फूल बन जाते हैं, जिससे वो अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। तभी हम चौबे और टोमा को देखते हैं,
जहां वो फूलों में बदले हुए बॉडी से घिरे हुए थे और चौबे अधमरे हालत में जड़ों से जकड़ा जा रहा था, जिसे टोमा बचा लेता है। उसी समय वो मॉन्स्टर बताता है कि जो इंसान फूल में बदल जाते हैं वो टैन का सोर्स बनते हैं। वहीं यूजरीहा उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रही थी, तो वो उसे अपना हाथ तोड़कर दिखाता है, जो फिर से ग्रो कर जाता है। जिसके बाद गाबीमारु नहाने जा रहा था, जहां सागरी भी उस पर नजर रखने के लिए साथ साथ जा रही थी, जिसके लिए वो उसे मना कर रहा था, लेकिन वो नहीं मानती। और फिर वो दोनों डिस्कस कर रहे थे कि क्या वो मॉन्स्टर सच कह रहा था या नहीं। उस समय सागरी को याद आता है कि मॉन्स्टर ने अपना नाम होको और उस बच्ची का नाम मे बताया था, जो केवल शांति से वहां रहना चाहते हैं। इसलिए सागरी को उनकी बातें सच लगती है। जिसके बाद जब गाबीमारु बाथ हाउस में घुसता है, तो मे वहां पहले से ही नहा रही होती है, जो उसे देखकर रोने लगती है, जिसे सागरी जाकर चुप करवाती है। और वो ये नोटिस करती है कि वहाँ इतने ज्यादा नहाने का सामान होने के बावजूद भी उन्हें कभी भी यूज नहीं किया गया है। इसलिए सागरी मे को उन सामानों को यूज करना सिखा रही थी। वहीं सागरी को ऐसा करता देखकर गाबीमारु अपनी बीवी को याद कर रहा था, जो उसे नहाना सिखा रही थी और उसे रेस्ट करने को कह रही थी, क्योंकि अगर वो रेस्ट नहीं करेगा तो वो रियल बैटल के शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। तो गाबीमारु उससे पूछता है कि वो किस बैटल के बारे में बात कर रही है, जिस पर वो बताती है कि वो बैटल ऑफ लाइफ के बारे में बात कर रही है, जो कभी भी खत्म नहीं होता, और इस बैटल में वो उसका जनरल है और वो उसकी स्ट्रेटजिस्ट, इसलिए उसे उसकी बात माननी चाहिए। तो गाबीमारु उसका जनरल होने के नाते उसे इस सलाह देता है कि वो कभी भी अपने अस्कार को ना छुपाए, जिसे सुनकर उसकी पत्नी काफी खुश होती है। और फिर प्रेजेंट में गाबीमारु मे को कह रहा था कि अगर वो अपने अस्कार के बारे में बुरा महसूस करती है तो उसे नहीं करना चाहिए। जिस पर सागरी कहती है कि कभी कभार उन औरतों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, लेकिन उससे गाबीमारु सहमत नहीं होता, क्योंकि वो एक ऐसी औरत को जानता है जिसके पास बहुत बड़े अस्कार होने के बावजूद भी वो सबसे खूबसूरत है, इसलिए बाहरी दिखावा कभी भी मैटर नहीं करता। जिसे सुनकर सागरी भी शौक हो जाती है कि वो इतनी अच्छी बातें कैसे कर रहा है। जिसके बाद जब गाबीमारु जा रहा होता है, तो मे उसे रोकती है और फिर तीनों एक साथ कहीं जा रहे होते हैं, जहां सागरी गाबीमारु के बारे में सोच रही थी कि वो इतना भी बुरा नहीं है, और वो धीरे धीरे बदलता जा रहा है। जिसके साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।